आपने जब ये लिस्ट के बारे में पढ़ना है ना, तो ये आप चीज ये में रखिएगा कि हमारा जितना भी इमेज प्रोसेसिंग का काम होगा, डेटा प्रोसेसिंग का काम होगा, डेटा हैंडलिंग का काम होगा, वो लिस्ट के जरिए से होगा, ठीक है, मैट्रिसेस के जरिए से होगा, ठीक है। तो हमने इन्हीं चीजों को अब आगे लेके चल रहे हैं। तो लिस्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें कि लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। लिस्ट क्या होती है? ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल में एक ही चीज स्टोर हो सकती है। जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्स है, तो एक्स में सिर्फ नंबर ही स्टोर हो सकता है। करेक्टर होगा तो उसमें करेक्टर स्टोर होगा, स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग ही स्टोर होगी, ठीक है। तो जो लिस्ट है ये भी एक डेटा टाइप है पाइथन में, और इसका मकसद क्या है कि हमने मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास एक लिस्ट बनी है। लिस्ट को जब भी क्रिएट करेंगे ना, तो सबने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है बड़ी ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और फिर बड़ी ब्रैकेट को हमने क्या कर देना, क्लोज कर देना। इसके अंदर हम जो भी आइटम लिखेंगे, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका नेम लिखना हो, 1 2 3 भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो हमने उसको कॉमा सेपरेटर लिखना है, तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई, ये फूड्स की लिस्ट है, ठीक है। तो इसका नाम शाका फूड्स रखते हैं, ऐसे फूड्स रखते हैं, ठीक। और ये एक वेरिएबल, रूट क्या है, एक वेरिएबल है, इसको मैंने प्रिंट करना है। तो ये सबसे पहले ये वाली लाइन क्या काम करती है, ये वाली लाइन ये काम करती है कि जितना भी ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे ये आइटम्स जो हैं इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये लिस्ट है। क्लियर हो गया? अब ये लिस्ट किस में स्टोर हो जाएगी, फ्रूट्स वाले वेरिएबल में। इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारे साथ है, ये ऐसे प्रिंट नजर आ जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट की अब आपको समझ लग गई है। लिस्ट के अलावा भी तीन और बड़ी डेट टाइप्स हैं लिस्ट के। एक लिस्ट है, ठीक है, एक क्या है, लिस्ट है, एक हम टपल पढ़ेंगे, फिर एक सेट पढ़ेंगे, फिर हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट क्या चीज है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स जो है उनका डेटा सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर से मुराद ये है कि ये तरतीब पे होती है। मतलब एप्पल जो है वो 0 पर है, बनाना जो है 1 पर है, और चेरी जो है 2 पर है, इसकी ये तरतीब है, ठीक है। चेंजेबल से मुराद ये है कि ये जो इसके अंदर जो डेटा आता है उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस लिस्ट के अंदर बनाना की जगह पर कोई और चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे चेंज करेंगे ये फिर हम आगे पढ़ते हैं। एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट के बारे में ये वाली लाइन याद करना जरूरी है, लिस्ट के बारे में जानना। तो ये कि लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट। लिस्ट में मसलन आपने अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है तो उसको तरतीब भी लगा सकते हैं, दोस्तों की लिस्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मुराद क्या है, इनको वैल्यूज असाइन होती है। सबसे पहले वाली को 0 इंडेक्स होता है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज असाइन होती हैं। अभी लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स, द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकेंड आइटम हैज 1। इसको कौन सा मिलेगा, इस लिस्ट को, ये इसकी इस आइटम को 0, बनाना को 1 और चेरी को 2 मिलेगा, तो ये इंडेक्स मिले। व्हेन यू से
लिस्ट आर ऑर्डर, इट मीन्स दैट आइटम्स हैव डिफाइन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। तो उसका ऑर्डर जो है ना वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होगा। हाँ, बाद में आप चेंज कर सकते हो उसका ऑर्डर, ठीक है। इफ यू एड अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट में जब भी हम इस लिस्ट के ना हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई नई आइटम, नया ऑब्जेक्ट हमने ऐड करना है, तो इसके स्टार्ट पे भी ऐड कर सकते हैं, दरमियान में भी और आखिर पर भी। और अगर इस लिस्ट में से किसी चीज को रिमूव करना हो तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को एम्प्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट के ऊपर ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये अब आपने याद रखना है इसमें कि लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को जो है वो जो लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है, लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे आप दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह यही वही लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट वही वाला है, ठीक है। द लिस्ट इज चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज ऐड एंड रिमूव आइटम्स। चेंजेबल से मुराद ये है उस लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, चेंज से मुराद उसमें नया आइटम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सिंस लिस्ट आर इंडेक्स, लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यूज, तो सेम वैल्यूज की भी हो सकती है लिस्ट, ठीक है। तो ये फिर अब आगे पढ़ते हैं क्या। अब इसमें देखें, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स, यानी कि इनको नंबर मिलता है। जैसे मेरी क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स एक ही नाम के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप आपकी क्लास देख लें, कोई आपकी ऐसी क्लास होगी जब से आप पढ़ रहे हैं, एक क्लास के अंदर एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो इंडेक्स है यानी कि उनका जो CNIC नंबर है या उनका रोल नंबर है वो डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब ये एप्पल लिखा हुआ है, ये बनाना लिखा, ये चेरी लिखा हुआ है, चेरी लिखा हुआ, ये एप्पल और ये चेरी। तो अब ये देखिए, इस एप्पल को, इस ऑब्जेक्ट को 0 मिला है, इस एप्पल को 3 मिला हुआ है, और इस चेरी को लास्ट वाली और इस चेरी को इसमें 2 मिला हुआ है और इसको 4 मिला हुआ है। तो इसका मतलब है लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट जो है क्यों सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इंडेक्स्ड, मतलब उनको कोई नंबर असाइन किया गया है, ये याद रखिएगा। तो लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज करने से मुराद इसमें न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम को रिमूव कर सकते हैं, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू से मुराद ये नहीं है कि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद सेम वैल्यू बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये पूरे की पूरी लिस्ट जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और जब इसको मैं ऐसे प्रिंट करूंगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को जो है ना सच एज इट इज प्रिंट कर देगा। अच्छा जी काशिफ, जी बेटा काशिफ, आपने रेज हैंड रेज किया है। चल अब इसमें ये बात याद रखें बेटा कि लिस्ट जो है वो असल में वेरी सिंपल है आपके लिए, और अगर आपने ये मालूम करना हो कि इस लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स हैं, इसकी लेंथ मालूम करनी है, आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं, उसमें ये इस लिस्ट का वेरिएबल पास कर देते हैं। आप लिखेंगे len लेंथ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके अंदर आपने इस लिस्ट वाला ये इसका नाम, अगर आपने एक्स रखा है तो इसको एक्स दे दें, ठीक है, ये एक्स आ जाएगा। तो इसकी लेंथ मालूम करके बता देगी, इसकी लेंथ की अब यहां पर कितनी आ रही है, 3, क्योंकि 1 2 और ये 3 है। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं,
इसमें मैंने एक और ऐड किया, अब इस लिस्ट की जो तादाद है वो 4 हो जाएगी। तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है, ये इसके नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है कि इसके कितने नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी अब डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रिंग है, देखिए ये सारी की सारी स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये सारी की सारी नंबर्स हैं, और ये सारे के सारे बूलियंस हैं, ट्रू फॉल्स। तो आप हर लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं। पहली एबीसी स्ट्रिंग है, ये क्या है, 34 नंबर जो है ये इंटीजर है, ट्रू या फॉल्स बूलियन टाइप है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, जी सर, आ रही है। कि इसमें आपने देखा कि एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज कर पा रहे हैं। ये मल्टीपल डेटा टाइप्स है, इसको आपने यूज करना है आप। अच्छा, उसके अलावा आपने अगर इस लिस्ट के उसमें अगर इसका नाम वाई है, इस लिस्ट का नाम, तो आप यहाँ पर वाई लिखेंगे तो ये इसकी डेटा टाइप मालूम करके दे देगा। सॉरी, ये वाई है, वाई, ठीक है। तो इसकी टाइप क्या है, लिस्ट है। फिर हम एक, चूंकि आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उसको तो इसका पता नहीं होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि हम इसके कंस्ट्रक्टर से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते। आप अगर लिस्ट का वर्ड लिखे और फिर लिस्ट के अंदर ये वाले लिस्ट दे दे तो ये इसकी लिस्ट क्रिएट कर देगा। ऐसे भी लिस्ट क्रिएट हो सकती है और उसके कंस्ट्रक्टर से भी क्रिएट हो सकती है, दोनों में फर्क कोई नहीं, याद है। ठीक है, तो अच्छा, वैसे ये मैं ज्यादा यूज नहीं करता ये जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि बाज का तो ऑब्जेक्टिव पे आ जाता है, किसी न किसी थ्रू में पूछा जा सकता है। तो ये दिस इज अनदर वे टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वही चीज है जो लिस्ट पहले वाली बनी। अब अगर हमने किसी एक आइटम को एक्सेस करना है, मसलन इस लिस्ट का नाम जो है डब्ल्यू है, मैं चाहता हूँ डब्ल्यू लिस्ट का जो है वो मैं चेरी को एक्सेस करना चाहता हूँ। किसको, चेरी को। तो चेरी किस पोजीशन पर है, एप्पल 0 पोजीशन पर है, बनाना 1 पोजीशन पे रहे और चेरी 2 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू लिखने के बाद उसके अंदर 2 लिखूंगा, उसका इंडेक्स नंबर लिखूंगा, तो वो इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो चेरी को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे मैं 0 करूंगा तो ये एप्पल को प्रिंट करेगा, अगर यहाँ पर मैं 1 करूंगा, ठीक है, तो ये बनाना को क्या करेगा, और अगर मैं नहीं लिखता, कोई ऐसी वैल्यू लिख देता, मिसाल के तौर पर 4 लिख देता हूँ, तो इस एरर देगा। ठीक है, एरर क्या देगा, ये याद रखना है, एरर को आपने याद, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब ये है कि आपने लिस्ट में ऐसी वैल्यू दे दी है जो आउट ऑफ रेंज है, यानी कि 4 उसको मिला ही नहीं, तो आपने ये देखना है कि आपने ये जो वैल्यू दी है ये विद इन दी रेंज देनी है आपने, 3 भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, 3 भी जो है आउट ऑफ रेंज, 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होती है, ये 2 लिखेंगे तो एरर नहीं आए। ठीक है, तो ये चेरी इस पे। अगर मैं यहाँ पर -1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, -1, तो ये राइट साइड से स्टार्ट करेगा -1 चेरी। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो ये -1 चेरी है और -2 बनाना है, और अगर मैं -3 लिखता हूं
तो ये एप्पल को करेगा। इसका मतलब है आप जीरो से भी एप्पल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और राइट साइड से माइनस से स्टार्ट करते हैं तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट में किसी भी आइटम को अगर आपने एक्सेस करना हो तो आप कर्ली ब्रैकेट सॉरी स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर अगर लिख देंगे तो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, जीरो या वन टू, ठीक है, ऐसे इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और माइनस में राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये मैंने ये भी आपको बता दिया है कि माइनस से मुराद क्या है, तो राइट साइड राइट मोस्ट को ये एक्सेस करेगी यानी चेरी को ये एक्सेस करेगी। ठीक है, माइनस टू करेंगे तो बनाना को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब स्लाइसिंग है, इसकी स्लाइसिंग क्या है? अगर मेरे पास ये लिस्ट है, इसका नाम ए है, लिस्ट का नाम ए है, और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है टू टू फाइव, टू टू फाइव इसको सिर्फ प्रिंट करें। मतलब इस एप्पल जीरो है, बनाना वन है, चेरी टू है, तो चेरी को प्रिंट कर देगा, थ्री को भी प्रिंट कर देगा, फोर को भी प्रिंट, यानी कि ये चार प्रिंट हो, टू टू फोर प्रिंट करेगा। जो इसका राइट मोस्ट होता है इसको कभी प्रिंट नहीं करेगा, पांच नंबर को ये टू थ्री फोर, टू थ्री फोर को प्रिंट करेगा, फाइव फिफ्थ पोजीशन वाले को प्रिंट नहीं करेगा। ये याद रखना, ये फार्मूला है, इसमें ये जब पाइथन जिन्होंने इंटरप्रेटर बनाया है तो उसके बैक एंड पे उसको ये लॉजिक दी गई है, टू से स्टार्ट करें फाइव तक लेके जाए लेकिन फाइव को ये इसमें ऐड ना, तो टू को भी प्रिंट करेगा, थ्री को भी और फोर। ये रेंज है, ये स्लाइसिंग की रेंज है। और अगर रेंज ऐसे दी जाए कि पहले नंबर पर कुछ ना लिखा हो और इधर फोर लिखा हो तो इसका मतलब है जीरो से लेके फोर तक जाए लेकिन फोर शामिल नहीं है इसमें, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, तो ऑरेंज तक ना ये सारा प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब है लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक रेंज को भी आप प्रिंट कर सकते, आप उसका इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं टू से लेके फाइव तक को भी क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अगर आप कॉमा लगाते हैं और फिर फाइव लिखते हैं तो फिर देखें आपको क्या एरर आता है, क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे एक्सेल के अंदर आप कॉमा लगा के तो उसको ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे करना भी है तो टू टू फोर ऐसे करें, अब देखें वो क्या प्रिंट करता है, फिर भी क्या करता है, वो एरर देता है। यानी कि लिस्ट की जब एक्सेस करना है तो आपने सिर्फ एक रेंज देनी है, मल्टीपल रेंजेस इसमें आप नहीं दे सकते। अब इसका क्या मतलब है, जीरो से स्टार्ट करें फोर तक। अब इसका क्या मतलब है, ये टू से स्टार्ट करेगा आखिर तक जाएगा। ठीक है, अब ये आखिर तक जाएगा इससे मुराद है कि ये जीरो वन टू चेरी से स्टार्ट करेगा और आखिर तक सारा, चेरी से स्टार्ट करेगा और आखिर तक। तो ये लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको जब हमने प्रिंट करवाना हो तो फिर हम इसमें ऐसे प्रिंट करवाते। ठीक है, अब अगर माइनस में आ जाए तो माइनस वाला थोड़ा सा आपने समझ, ये है माइनस फोर से लेके माइनस वन तक, माइनस फोर से लेके माइनस वन तक, तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर यहाँ पर आ गया, और माइनस वन तक, ये माइनस फोर है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस टू है और ये माइनस वन है, माइनस वन इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ इतने प्रिंट होंगे। ये बात बस आपने समझ लिया जी, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं पाइथन की जुबान में। ठीक, हमने लिस्ट के अंदर से स्लाइसिंग करनी है, कितना एरिया हमने कट करना है। तो ये अगर हम ऐसे लिखेंगे कि लिस्ट का
-4 वाले इंडेक्स से लेके -1 वाले इंडेक्स तक करें तो आपने राइट साइड से स्टार्ट कर देना, -4 तक जाए, -1 -2 -3 -4। अब -1 तक जाना है तो -1 इस तरफ है, -4 -3 -2 -1, तो -1 इसमें शामिल नहीं, तो ये वाले तीनों शामिल। अच्छा, अब आप इस लिस्ट को जो है इफ के जरिए से भी यूज कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स होगी तो फिर ये वाला आ जाए। तो इसमें देखें, मैंने लिखा इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट का नाम आप बेशक सी रख दें कोई मसला नहीं, और इसका नाम भी सी रख दें यहाँ पर, इफ एप्पल इन सी, सी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है फ्रूट्स की, ठीक है, एप्पल बनाना और चेरी, तो इसके अंदर क्या है, इफ एप्पल इन सी तो फिर ये प्रिंट करते यस एप्पल इन दी फ्रूट लिस्ट, तो जाहिर बात है एप्पल इसमें मौजूद है तो इसको यस कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एप्पल्स प्लूरल इसकी लिख देता तो जाहिर बात है ये वाला वर्ड इसमें मौजूद नहीं है, तो वो उसको क्या कहता है कि इसको स्किप कर दे क्योंकि उसको इफ की बात नहीं मिला, तो एल्स लगा के हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज करना चाहे वैल्यू, मसलन ये बनाना लिखा हुआ है, बनाना की जगह पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैंगो, ठीक है, चेंज करें उसको, कौन सी वैल्यू साइन कर दे, मैंगो। अब बनाना की जगह पर मैंगो आ जाए क्योंकि वन पोजीशन पर कौन सी है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, तो ये बनाना आएगा इस यहाँ पर, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें यहाँ पर बनाना आ गया। अगर इसी लिस्ट को चेंज करने से पहले करते हैं, इसको चेंज करो यार, बड़े हो जाओ आप, लेकिन पहले वाली लिस्ट में बनाना है और ये चेरी है, ठीक है, तो बनाना की जगह पे हमने नेक्स्ट लाइन में बनाना को चेंज कर दिया, यानी कि इसकी जगह पर ये 1 की जगह पर 0 और 1 की जगह पर मैंगो लिख दिया, तो ये इसको चेंज कर, तो लिस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। बस बेटा बस, ओ भाई फैजान छोड़ दो यार, अल्लाह की वली देखा करो। अच्छा, अब अगर हम चेंज करना चाहें रेंजेस, तो लिस्ट में ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, इस चेंज हो जाए, 1 से 3 से बढ़ा दिया है, 1 और 2, 3 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, 1 पर क्या आ जाए ये वाला वर्ड और 2 पे ये वाला, इसमें 3 शामिल नहीं होता, ये रेंज आप देते हैं तो 1 और 2 है, 3 शामिल नहीं है, राइट मोस्ट वाला बिल्कुल शामिल, तो अब ये देखिए ये चेंज करेंगे इसको तो रेंजेस वो चेंज हो जाएगी। और अगर सिंपल आप एक वर्ड को करेंगे यहाँ पर तो 1 से ले 1 में भी वो आ जाएगा, 2 में भी वही आ जाएगा, ठीक है, 1 से 3 तक, 1 2 ये दोनों की जगह पर ये वाला वर्ड आ गया, ठीक है, और ये दोनों को उसने एक वैल्यू साइन कर, ये खत्म हो जाएगा यहाँ, अब इसकी तादाद कम होगी, 1 2 3 4 5, पहले कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी बेटा, वो कार क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अच्छा अब इंसर्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो 2 पोजीशन पर जो है 0 1 और 2 चेरी की जगह पर क्या आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाए, ठीक है, वो इंसर्ट करेगा चेरी की जगह पर वाटरमेलन ऐड कर दे, ये इंसर्ट करेगा, ठीक है, 0 1 2
टू वाटरमेलन आ गया और चेरी आगे चला गया, ठीक है। ये ऐसे वैल्यू अपडेट हो जाती है, पहले वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन जब आप इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं कि ये इस लिस्ट का नाम अगर हमने एक्स रख दिया है, एक्स लिस्ट में जो है, एक्स लिस्ट में क्या करे, ये ऐड करे, इंसर्ट करे, किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, 0 1 2, चेरी की जगह पर। चेरी को रिमूव नहीं करेगा, चेरी को 3 नंबर पे भेज देगा। वाटरमेलन ऐड करें सेकंड पोजीशन के ऊपर, हम इसको लिखेंगे एक्स इंसर्ट और कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वाटरमेलन लिखें, जो भी आपने यहाँ पर मैंगो लिखना है, गावा लिखना है, जो कुछ भी, तो वो उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। भाई खुदा का खौफ करो यार, ये क्या कर रहे हो। हैरत वाली बात है यार, बच्चों वाली हरकतें आप, बड़े हो जाओ आप। जी काशिफ बताए। हाँ ये फैजान है कौन है यार, मुझे तो कोई समझ नहीं लगा। तो बेटा खाना खाओ, मुझे मुझे क्या पूछ रहे हो। जी मसला यार, एक आप लोगों की खिदमत करें और उसके बाद आप ये ड्यूरिंग लेक्चर इस तरह के आपसे मैसेज मिलने शुरू हो जाए। उसके बाद इंसर्ट के बाद है अपेंड का। अपेंड में क्या होता है, अपेंड में क्या होता है कि आखिर पर इसको ऐड कर देता है। अपेंड का मतलब उसमें ऐड कर दे आखिर पर, ठीक है। इंसर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इंसर्ट किसी खास पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है, वो चौथा पांचवा सातवीं जिस पोजीशन, वो रिमूव नहीं करता, ठीक है। जबकि पेंड में क्या होता है, आखिर पर इसको ऐड कर देते हैं, तो इंसर्ट के जरिए से भी कर सकते हैं पेंड। अब ये एप्पल बनाना चेरी है, तो इसमें ऑरेंज को हमने इंसर्ट करना है आखिर पर, बिल्कुल चेरी के बाद, तो हम पेंड लिखेंगे दिस लिस्ट डॉट पेंड और इसके अंदर वो वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा। अच्छा उसके बाद एक्सटेंड का इस्तेमाल होता है। हमारे पास अगर दो लिस्ट है, एक का लिस्ट का नाम है फ्रूट्स की है और दूसरी कोई और लिस्ट है, दोनों लिस्ट को हम क्या करना, एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, तो मैं इसको करूंगा एक्स एक्स एक्सटेंड वाई, ठीक है। और फिर एक्स को मैं डिस्प्ले करना चाहूंगा, तो एक्स के साथ इसको क्या कर देगा, वो एक्सटेंड कर देगा, एक्स के साथ वाई को मिला देगा। अब इसके तीन है, इसके भी तीन है, तो ये टोटल 6 हो जाएगी, तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। दो लिस्ट को अगर आपस में ज्वाइन करवाना है, एक्सटेंड करवाना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्सटेंड का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह आप एक लिस्ट है और ये देखिए, ये हमारे पास टप्पल है, तो लिस्ट और टपल को भी आप क्या कर सकते, एक्सटेंड करवा सकते, ठीक है। तो जब इसको करेंगे, एप्पल बनाना चेरी और कीवी ऑरेंज है, तो कीवी ऑरेंज इसके साथ एक्सटेंड हो जाए, ये मिलके एक लिस्ट बन जाए, ठीक है। जो एक्सटेंड मेथड डज नॉट हैव टू अपेंड लिस्ट, यू कैन ऐड एनी लिस्ट आइटरेटिव ऑब्जेक्ट,
आप इसके साथ स्टैंड के साथ क्या कर सकते हैं, लिस्ट के साथ लिस्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लिस्ट के साथ टपल भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लिस्ट के साथ सेट्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आ जाता है रिमूव करने का जो मकसद है क्या, अगर हमने रिमूव करना है तो अगर ये मेरे पास लिस्ट है इसमें से मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा दिस लिस्ट, ये जो वाली लिस्ट है इसमें से रिमूव करें किसको, बनाना को, तो स्पेसिफिक आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगी और मेरे पास बाकी जो बचेगी वो एप्पल और चेरी बचेगी। इसी तरह हमने इसमें से अगर रिमूव करना है, मतलब ये बनाना दो दफा लिखा, एक यहाँ पर लिखा एक ये दफा, तो इसमें से वो बनाना सिर्फ एक दफा रिमूव करेगा, रिमूव का फंक्शन ये, ठीक है। अब इसमें कैसे रिमूव करेगा, पहली दफा जब रिमूव करेगा तो इसमें से पहला बनाना ये जो लिखा हुआ है ये वाला रिमूव करेगा, दूसरी दफा फिर मैंने रिमूव का फंक्शन यूज किया, वकार यार ये क्या मसला है यार, यार ये सुबह मुझे वकार के बारे में बताना, ये वकार है कौन, एक टाइम थोड़ा होता और ऊपर से ये बदतमीजी करना शुरू कर रहे। अब इसमें रिमूव का जो फंक्शन वो क्या करता है, सिंपल एक आइटम को जो पहले वाली आइटम है उसको रिमूव, मतलब इसमें बनाना दो मरतबा है तो पहले पहले वाला रिमूव करेगा, उसके बाद फिर मैंने रिमूव का फंक्शन यूज किया दो जगह पर, पहले यहाँ पर यूज किया तो उसने ये वाला बनाना खत्म किया, फिर उसके बाद उसने ये वाला कर दिया। बेहुदा शख्स है यार ये तो, ये यार ये मुझे सुबह बताना ये दोनों कौन है, इसके मैं कॉलेज बंद करता हूँ यार, कहा ही बेहुदा है। ये काश्यप चूसनी जो है ये वाला, और वो कार, इन दोनों के बारे में बताना है। जी मलिक नबील जी बेटा, तो ये रिमूव क्या करता है, लिस्ट में से आइटम्स को रिमूव करता है, फिर उसके बाद पॉप क्या करता है, पॉप इस ये भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये क्या है इसमें आपको इंडेक्स देना पड़ता है 0, ये 1 है तो 1 पोजीशन पर जो भी होगा, ये बनाना लिखा है तो इसको बीच में से रिमूव कर दे, तो रिमूव का फंक्शन भी जो है आइटम को यहाँ से खत्म निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और पॉप भी करते इसीलिए इस्तेमाल होता है, और अगर पॉप में अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो जो लास्ट वाली आइटम होगी वो बीच में से निकल जाए, एक दफा करने से एक आइटम बीच में से निकल जाए, और अगर आप इसको दो दफा करते हैं, दो दफा लिखते हैं तो इसमें से पहले चेरी को करेगा फिर बनाना को, सिर्फ एप्पल रह जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ एप्पल रहे, तो
जितनी दफा पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे उतनी मरतबा क्या होगा, ये उसमें से लास्ट वन वर जो सबसे आखिर वाली वैल्यू जो वो रिप्लेस करें। फिर इसी तरह आपने अगर डिलीट करना है इसमें से तो जीरो पर जो होगा वो डिलीट हो जाएगी यहाँ, तो पॉप का फंक्शन भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है और डेल का भी फंक्शन भी, ये जीरो को रिमूव कर। अगर आप यहाँ पर वन लिखेंगे तो ये वन वैल्यू की यानी बनाना को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर। अगर आप टू लिखेंगे तो टू इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको रिमूव करेगा, और अगर आप डिलीट लिस्ट करना चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब अगर यहाँ पर आप प्रिंट लिस्ट करते हैं तो ये एरर देगा, ठीक है। इसमें एरर क्यों देगा, तो उसको इसमें लिस्ट को डिलीट कर दिया, उसको तो लिस्ट मिली नहीं, ठीक है। तो अब इसके पास लिस्ट नहीं होगी। अब जो लास्ट वाली एक चीज रहेगी वो है क्लियर। क्लियर क्या करता है, इसको रिमूव नहीं करता, डिलीट नहीं करता, सिर्फ इसको खाली कर देता, एम्प्टी कर देता। अब जब आप ये लिस्ट को एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट जो है वो एम्प्टी लग रहा है। बहुत अलग शानदार बहुत ही अलग शानदार याद करवाता है, ठीक है। ये मैं करता हूँ लेकिन प्राइवेट की करता हूँ, यार मुझे तो ये ठीक नहीं जाएगी, बस जस्ट मिनट रह गया ऐसे काम कर। ये बेटा वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ये मैं थोड़ी देर तक इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने इसको गौर किया होगा। ये MM चीजें अभी लिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे, लिस्ट में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस आदमी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।